उत्तराखंड एसटीएफ और बागेश्वर पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 5 किलो चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई चरस की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बागेश्वर पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कौंडे ने इस मामले का खुलासा किया। नशा मुक्त देवभूमि का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभियान है, जो उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत एक बहुत अच्छी कामयाबी हमें मिली है। लालकुआ स्थित एक व्यक्ति जो चरस के या नशे के पदार्थों में बहुत दिनों से संलिप्त था, जिसके पीछे एसटीएफ टी थी, उसको हमारे बैजनाथ थाने के एरिया में एसटीएफ और बागेश्वर पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई से पकड़ा गया। लगभग 5 किलो 300 ग्राम, मतलब इसकी मार्केट वैल्यू 5 से 6 लाख के बीच में है, इतनी चरस के साथ उसको पकड़ा गया। ये इस पर की गई प्रथम बार इस पर्टिकुलर अभियुक्त पर की गई कार्रवाई है। पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने कपकोट में आयोजित चेली बुआरी कौतिक पर धामी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कपकोट में आयोजित कार्यक्रम को सरकारी धन का दुरुपयोग बताया है। प्रदीप टमटा ने कहा कि महिलाओं के साथ राज्य में अन्याय हो रहा है, मुख्यमंत्री देवियों के पैर धो रहे हैं। कोई समय नहीं लगा, जैसी वो सम्मेलन वहाँ हो रहा तो उसी दिन मैंने वीडियो में, अगर आप देखेंगे कि क्या समय आ गया है, एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री नाटक कर रहे हैं चेली बिहारी का कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनके पांव धो रहे हैं, और दूसरी तो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उन्हीं के पार्टी के मंडल अध्यक्ष, और उसकी गिरफ्तारी में एक वक्त का एक हफ्ते का समय लग जाता है। 8 घंटे तक पीड़ित माँ को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने में लग जाता है। क्या ये मुख्यमंत्री का नैतिक कर्तव्य नहीं था कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र की उस माँ के पास जाकर के माफ़ी मांगते, सबसे पहले चरण तो उनके धोते। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रदेश में महिलाओं की अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे चंपा का ये लेटेस्ट दुष्कर्म का मामला हो, उसी विधानसभा क्षेत्र में बबीता की हत्या हो, अभी तक अंकिता भंडारी वाले मामले में कौन वीआईपी है उसको बचाया, वीआईपी की पहचान आज तक निश्चित नहीं गई है, चमोली में पिंकी का मामला हो उसकी हत्या की गई है, हत्यारे खुलेआम क्या कहते हैं अभी भी उनको सजा किस स्टेज में नहीं मालूम, उत्तरकाशी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ और मुख्यमंत्री खामोश बैठे। एसडीएम दीपक सैनी ने मसूरी एसडीएम सभागार में मसूरी के टैक्सी चालकों स्कूटी चालकों के साथ बैठक कर यातायात सुचारू करने पर मंथन किया और बैठक में आए सुझावों पर अमल करने और यातायात सुचारू करने पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मौजूद विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों और सदस्यों ने यातायात को लेकर विभिन्न सुझाव दिए। सर, आज यातायात व्यवस्था को लेकर एक बैठक आयोजित की गई है, किस तरीके के सुझाव आए हैं और क्या यातायात प्लान रहेगा सर? नहीं, बिल्कुल, जैसा कि सभी लोग अवगत हैं कि हमारी मॉल रोड जो रहती है उस पर काफ़ी ट्रैफिक की जब पीक रश रहता है तो काफ़ी कंजेशन हो जाता है, तो उसी को डिकंजेस्ट करने के लिए एक आज बैठक बुलाई गई थी, सभी स्टेक होल्डर्स उसमें बुलाए गए थे, सबसे बैठ के विस्तृत चर्चा की गई है, इसमें सभी के सुझाव भी सम्मिलित किए गए हैं और सभी से अनुरोध भी किया गया है कि हम कैसे इसको डिकंजेस्ट कर सकते हैं, तो अपने अपने स्तर पर जो जो कार्रवाई अलग अलग हमारी एसोसिएशंस हैं उनसे अपेक्षित है। तो पहले हमारा अनुरोध है कि पहले हम अनुरोध मोड में चल रहे हैं, उसके बाद उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। तो जैसे हमारे इलीगल जो हमारी कमर्शियल स्कूटीज जो रहती हैं यहाँ पर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो कई ऑफिस जहीं पर हैं उनका पार्किंग वहीं पर होनी चाहिए, बट वो अपने ऑफिस ना खड़ी करके अगर हमारे मॉल रोड पे यहाँ पर खड़ी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही टेम्पो ट्रैवलर्स जो जगह जगह शहर में अलग अलग जगह पर इलीगल तरीके से खड़े होते हैं उनको पार्किंग में पुश किया जाएगा। इसी तरीके से हम वन वे सिस्टम भी लागू करने की कोशिश करेंगे। पहले हम कैमल बैक रोड जो है उसकी एक बार सर्वे करेंगे, उसको अच्छे से स्टडी करके कि उससे कैसे मूवमेंट को परमानेंटली हम वन वे एस्टेब्लिश करा सकते हैं या नहीं, तो उस पर काम किया जाएगा। ऐसे ही हमारे जो प्रतिष्ठान है हमारे यहाँ मॉल रोड पे जिनकी दुकानें हैं या अन्य जो प्रतिष्ठान है, तो उनसे भी अनुरोध किया गया है कि अपनी जो अपनी स्कूटीज हैं वो उसको बाहर छोड़ के आए, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, कोई फिजिकली अगर किसी के लिए कोई बहुत चैलेंजिंग है, किसी की कंडीशन इस तरीके की नहीं है कि वो वहाँ पर नहीं आ पाते हैं, खुद से आ नहीं सकते हैं पैदल चल के, तो उनके लिए भी विचार किया जाएगा, पर बाकी लोग जो हैं अपनी स्कूटीज जो हैं वो बाहर खड़ी करें यहाँ से।
टिहरी जनपद की देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत आने वाली कीर्ति नगर के क्षणाधार स्थित माधो सिंह भंडारी स्मारक पर पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई पौराणिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची रही। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भी मौजूदगी रही। इस दौरान राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने वीर माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले में प्रतिभाग किया। उन्होंने इस दौरान मेला स्थल पर लगे स्वयं सहायता समूह तथा विभिन्न विभागीय स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और जानकारी ली। उत्तराखंड वैसे तो वीरों की भूमि रहा है, लेकिन माधो सिंह भंडारी का जो हमने सुना है, पढ़ा है, माधो सिंह भंडारी ऐसे वीर के रूप में दर्ज हैं इतिहास में कि जिनको जो है महावीर से भी अगर ऊपर कोई पदवी हो सकती है तो वो दी जा सकती है, और वो प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे पूरे प्रदेश के लिए और इस क्षेत्र के लिए कि एक कर्मवीर के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर, एक सेनापति के तौर पर और एक उससे भी ऊपर एक कुशल इंजीनियर के तौर पर जो उन्होंने एक मिसाल कायम की, वो आज चार सदी बीतने के बाद भी वो आज प्रासंगिक है और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और हम यही कामना करते हैं कि वो जो उनके भाव रहे हैं, जो उनका व्यक्तित्व रहा है, जो उनका कृतित्व रहा है, वो इस प्रदेश की जनता के जो है विचारों में और चरित्र में उतरे, ताकि ये प्रदेश जो है जो उनकी कल्पना रही होगी समाज के प्रति और अपने क्षेत्र के प्रति, अपने गाँव के प्रति, अपने कर्मभूमि के प्रति, उससे प्रेरणा मिलती रहे और ये प्रदेश तरक्की करे। जो हमारा वीर माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेला हो रहा है, ये सबसे पहले तो आपके हमारे सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय भी है कि उनकी जो वीर गाथा है उस सभी का मंचन वहाँ पर हो रहा है, हम सभी को उनके बारे में जानने का और उनकी वीरता को नमन करने का मौका मिल रहा है। तो उसकी तैयारियों पहले से ही लगभग एक माह पूर्व से तैयारियां पूरी हो गई थी और लगातार भी इसमें पुलिस और प्रशासन की टीम, प्रशासन की ओर से भी PRD वहां पर महिला PRD तैनात किए गए हैं। पुलिस द्वारा पूरी मुस्तैदी से ट्रैफिक एवं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखा जा रहा है। जितने भी वहाँ पर फल और आदि लगे हुए हैं दुकानदारों को, उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है और कि उन्हें कोई इस तरह की समस्या ना आए, जगह की समस्या ना आए, क्रैम ना हो जाए, क्राउड ना हो जाए। और तीसरी चीज़ जो विशेष होती है शौचालय की, तो एक टेम्प्रेरी तो उन्होंने बनाया था शौचालय। जब मैं बिफोर मेले से 3 तारीख को जब वहाँ विजिट पे गई थी तो मैंने देखा वहाँ टेम्प्रेरी बनाया गया था जैसा कि होता है। तो मेरे द्वारा नगर पंचायत से यहाँ से ऑर्डर करते हुए वहाँ पर बाहर एक मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई थी, जिससे हमारी जो महिलाएँ और अन्य भी जो वहाँ पर आ रहे मेला स्थल पर इस तरह की कोई परेशानी ना आए। हमारे राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष जी आए थे भट जी, और उन्होंने भी काफ़ी हमारी समिति को आशीर्वाद दिया और जो भी है हम काफ़ी उनके सम्मान में जो जितना भी कर पाए, और बाकी तो हमारी मंचन के बीच में अतिथि लोग आएंगे, अगर कोई कमी रहती है हम उनसे भी माफ़ी चाहेंगे। काशीपुर नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी प्रदीप अग्रवाल ने लगभग 3 महीने पहले भाजपा के कांदावर ने अनुप अग्रवाल के ऊपर रंगदारी और 307 का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। माननीय न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने अनुप अग्रवाल के निवास स्थान पर कुर्की की कार्रवाई की।